हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, सावन में हर दिन और हर कार्य शुभ और मंगलकारी होता है और इस महीने में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अगर आपके साथ घटित हो तो समझ जाए कि महादेव आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। और ऐसा ही एक संकेत सावन में चींटियों के द्वारा मिलता है। दोस्तों, अगर सावन में आपके घर में अचानक से ऐसी चींटियां निकल आए तो समझ जाए कि भोलेनाथ आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय बजरंग बली लिखना न भूले। दोस्तों, घर में अक्सर चींटियों के निकलने से हम कई बार परेशान हो जाते हैं। हमारी परेशानी की वजह होती है खाने की वस्तुएं खराब हो जाना, कपड़ों में चींटियां लगना। लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर में आपके बार बार चींटियां निकल रही हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। ये चींटियां काली या लाल हो सकती हैं। किस तरह की चींटियां आपके घर में आ गई हैं इसके हिसाब से जाना जा सकता है कि ये किस बात का संकेत हैं। काली चींटियों को भोजन देना ज्योतिष में बहुत ही पुण्य कर्म माना गया है और यही कारण है कि लोग इनके सामने शक्कर आटा जैसे खाद्य पदार्थ डालते हैं। हर चींटी अलग तरह की होने वाली घटनाओं का प्रतीक होती है। दोस्तों, वैसे ही अगर आपके घर में सावन के महीने में अचानक से चींटियां निकल आती है तो उसका क्या संकेत होता, आज हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चींटियां शुभ और अशुभ दोनों संकेत देती हैं। घर में इस रंग की चींटी का आना मतलब आप धनी होने वाले हैं। दोस्तों, चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दे दोस्ती, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती है, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना चाहती है, नेटवर्क की दुनिया से अन्य नेटवर्क से बहुत बेहतर है। दोस्तों, एक साथ चींटियां मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती है और हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें, चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पद प्रदर्शक की तरह भी बतलाती है। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपाधि जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं तो वो बार बार गिरती है, पर फिर भी चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार नहीं कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स में चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है और आप हारने लगे हैं तो आपको भी चींटियों की तरह अपनी मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। तो अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है या फिर अशुभ योग लेकर आती हैं, कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो, तो अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे परंतु ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि चींटियां आपकी जिंदगी, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। दोस्तों, ध्यान दे, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या फिर काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है, मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनियां बुरे कर्म करने वाले को भुगतनी पड़ती है। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती हैं और ग्रह में शनि का अधिपति इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए।
माना जाता है कि शनि भगवान की पूजा करते समय या शनिवार के दिन अगर आपके पास काली चींटियां आ जाएं, समझो भगवान शनि आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य बैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यक्त करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल में चीनी मिलाकर चून बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और जीवन खुशनुमा हो जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती जा रही हैं, बाधाएं आती जा रही हैं, तो चींटियों का एक छोटा सा उपाय करें। जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है ये एक छोटा सा काम, चींटियों को नारियल का सूखा बुरा होता है, नारियल का सूखा पाउडर आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डाल दें, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के जो नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं, आपके घर के आसपास है, सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि थोड़े दिन में अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। अगर आप बादाम के पाउडर में इन्हें मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है, मन के अनुसार नहीं मिल रही, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके आप खिलाए और आप देखेंगे कि अगर आपकी जॉब लग जाएगी या बिजनेसमैन है तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ा है तो वह भी उतर जाता है। केवल बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाने हैं। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगे और कौन से रंग की चींटियां सौभाग्य लेकर आती है। या फिर आपको चींटी अगर सपनों में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इन सभी पापी ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं? जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, क्रूर दृष्टि हो, तो आपको आटे में, जैसे कि हम पंजीरी बनाते हैं, वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वह दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग खुल जाता है। अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते हैं कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं। आप चाहे कितने ही स्पेशल उपाय करें, आप चाहे कितना ही ट्रीटमेंट क्यों ना कर ले, आपको फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा तब होता है कि लोगों के सर में अचानक से खूब सारी रूसी और डैंड्रफ होता है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों पर राहु की क्रूर दृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आपको चींटियों को शक्कर अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिनों तक एक छोटा सा उपाय करना है, आटे की पंजीरी बना लें। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले आटे को भून लें, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बनाकर चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काला और सफेद कंबल का दान भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा, इस उपाय को मिस न करें। पितृदोष के प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में बिहाई करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रहों से पीड़ित हैं, तो आपको इन चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है।
दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती है, खूबसूरत होती है, प्यारी होती है और इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं और वह जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखें तो वह इनको समझ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां एक साथ लाइन बनाकर दिखने लगे तो समझ लीजिए आपका शीघ्र ही भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको इसे फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और अगर फिर भी इसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो आप इस बात को मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं से फैलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर को माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती और धन से मालामाल करके ही रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर की छत पर या फिर दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगी तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अपने मुंह में अंडा लेकर चलती हुई दिखती है तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और बाधाएं आपको घेरने वाली है, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग, कलह, दुख और संकट आ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय ढेर सारी चींटियां निकल जाए या चींटियों का टोला एक साथ दिखाई दे जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वह चींटियां खत्म हो जाए तब वह मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं चींटी के, आपको बता दें। यदि आपको सपने में चींटी नजर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखे तो समझ जाइए कि आपको धन लाभ के संकेत हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखे तो आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। दोस्तों, सपनों में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मरते देखना सफलता ना मिलने के संकेत हैं। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी तथा जानबूझकर भी ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है, आपके भाग्य का नाश होता है, सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में या फिर किसी के घर में बाहर चींटियां दिख जाए तो उनको बता दें कि आपके घर में चींटी दिखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, अब आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। दोस्तों, चींटियों के और भी कई संकेत हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर काली चींटियां चावल के बर्तन से निकल रही हैं तो धन आगमन का संकेत होता है, साथ ही आर्थिक तंगी दूर होने और अन्न से घर भरे होने का भी यह संकेत होता है। दोस्तों, अमूमन घर में काली चींटियों का निकलना सुख और ऐश्वर्य का संकेत माना जाता है। अगर ये चींटियां पश्चिम दिशा से आपके घर में आती है तो आपके विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। अगर आपके घर में लाल चींटियां दिखाई देती हो तो सावधान हो जाएं। लाल चींटियां अशुभ का संकेत मानी जाती हैं। भविष्य की परेशानियों, विवाद, धन के खर्च होने के संकेत भी चींटियां देती हैं। वही लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाए तो यह अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है आपके घर में कुछ प्रगति होने वाली है। दोस्तों, घर में ऊपर की ओर जा रही चींटियां आपके विकास और प्रगति का संकेत देती हैं। वहीं नीचे की ओर उतर रही चींटियां आपको किसी घाटे और जीवन में किसी नुकसान का संकेत देती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।